Students, how are you? In this video we are going to learn math of class 5, lesson number 13, ways to multiply and divide. This is a part number 5 or video number 5 of this lesson. So all of you watch this video full concentration, like it, share it and subscribe the channel. This is the page number 180 and we are going to solve all these numericals. We are going to solve all these numericals on the given on the page number 180. First example is 4228 divided by 4. So this is our dividend. We should write dividend first, 4228, and then divisor, and the divisor is 4. Now the first step, compare the first digit of the dividend and the divisor, both of them are same, so we can divide the first digit only. 4 1 ja 4, after subtraction you get the 0. Then take the 2 for the division, but we are not able to divide 2 because 2 is smaller than 4. बच्चों हमने 2 ऊपर से लिया पर 2 को हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2 4 से छोटा है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक 0 क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा और दूसरा नंबर हमें नीचे लेना पड़ेगा. तो अब हो गई है 22, ये 2 और ये 2 22 हो गए. अब ये 22 4 से बड़े हैं, मतलब दे आर ग्रेटर देन 4. सो वी काउंट द टेबल ऑफ 4 अप टू 22. इट इज 4 5 जा 20 माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 0 2. देन वी शुड टेक 8, राइट. तो ये मैं 28 यहाँ लिख रहा हूँ, 28 हो गया. वी शुड काउंट द टेबल ऑफ 4 अप टू 28. 4 7 जा 28 and then remainder is 0 0, and our final answer is 1057 is the answer of the first one. Now come to second one. Second question is 770 divided by 22. Students, you must by heart the table up to 30, and that's the only thing you can do or that will help you only. बच्चों यहाँ पर आपको 22 का टेबल आना जरूरी है, आना ही चाहिए. सो 77 डिवाइडेड बाय 22. सो फर्स्ट यू शुड काउंट. बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा, फर्स्ट डिजिट देखो 7 है, 22 से छोटा है, हम डिवाइड नहीं कर सकते. तो हम पूरा इसको डिवाइड करेंगे, 77 को मतलब दो नंबर को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों. 22 3 जा 66 सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 11, ठीक है. अब 11 आने के बाद यहाँ से हम 0 ले लेंगे, ये हो जाएगा 110. 22 5 जा 110 माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 0 0 0. सो फाइनल आंसर ऑफ द सब्ट्रैक्शन इज 35. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 9872 डिवाइड बाय 8. सो वी हैव टू राइट डिविडेंड फर्स्ट. 9872 डिवाइड बाय 8, 8 इज आर डिविजन. सो फर्स्ट वी शुड कंपेयर द फर्स्ट डिजिट ऑफ द डिविडेंड विद द डिवाइजर एंड वी फाइंड आउट दैट 9 इज ग्रेटर. सो 8 1 जा 8, रिमाइंडर इज 1. वी शुड टेक 8. 18, 8 2 जा 16, देन रिमाइंडर इज 2. Then we should take 7.
27, 8 3 is 24, 8 3 is 24, remainder is minus 3. Then we should take next number, that is 2 here, and it is 32. 8 4 is 32. Answer is 00. Final answer is 1, 2, 3, 4. This is our quotient. 1, 2, 3 and 4. This is our quotient. Now, come to the next example. 672 divided by 21. So, let's go. Direct hum 21 se divide karenge usko. Okay. 672 divided by 21. आपको 21 का टेबल 67 तक काउंट करना है. 23, 3 जा, 63, माइनस किया, आंसर आ गया 4. देन ऊपर से लिया हमने 2. 21, 2 जा, 42, माइनस करेंगे बच्चों, आंसर आएगा 0, 0. इसका क्वेश्चन आ जाएगा 32. ये हमारा डी एग्जांपल था, मतलब फोर्थ एग्जांपल था. चलिए अब हम चलेंगे ई एग्जांपल की तरफ, मतलब फिफ्थ एग्जांपल जो हमारा है वो है 772 डिवाइडेड बाय 7. 772 डिवाइडेड बाय 7. चलिए 7 वन जा 7, रिमाइंडर इज 0. देन 7 वन जा, यहाँ हमने 7 ऊपर से 7 ले लिया, फिर से 7 वन जा 7, आंसर आया 0. अब लिया हमने ऊपर से 2. बच्चों यहाँ पर हम 2 को डिवीजन नहीं कर सकते, पर 2 को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि उसका डिवीजन होना बाकी है. तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 7 बड़ा है 2 छोटा है, तो हम यहाँ पर 0 का डिवीजन देंगे. और ये यहाँ पर मैं 02 यहाँ लिख रहा हूँ. 7 0 जा 0 एंड आपका रिमाइंडर आया 2. क्लियर, ये आपका क्या है, रिमाइंडर है बच्चों. आपका फाइनल क्वेश्चन क्या है, 110 इक्वल टू करिए 110 लिखिए. नेक्स्ट एग्जांपल है 639 डिवाइड बाय 13. सो हमने 639 लिखा, यहाँ पर 13 डिविजर भी लिखा. अब हमें क्या करना है, 13 का टेबल 63 तक काउंट करना है. 13 4 जा 52, माइनस करिए, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, यस. इसके बाद अब हमें क्या करना है, 13 का टेबल 119 तक काउंट करना है, और वो है 13 9 जा 117, माइनस करेंगे आंसर आएगा 200. ये हमारा रिमाइंडर है एंड ये हमारा क्वेश्चन है. 49 इज आर क्वेश्चन, 2 इज आर रिमाइंडर. याद रखो बच्चों, ये रिमाइंडर कब आया है, माइनस करने के बाद. इसके लिए ये हमारा रिमाइंडर है या 49 हमारा क्या है, क्वेश्चन है. कम टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 181. यहाँ पर दिया है बच्चों, ईशा हैज़ रुपीज 1000 विथ हर, शी वॉन्ट टू बाय पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट रुपीज 47, हाउ मेनी लीटर्स कैन शी बाय. मतलब यहाँ पर वो जो अपने सिटी में आई है वहाँ पर पेट्रोल का रेट है स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000 डिवाइड बाय 47, हम उसको 47 से डिवाइड करेंगे. अब यहाँ पर आपको ये आएगा 2, ठीक है. 47 2 जा 94 हम इधर लिखेंगे, माइनस करेंगे बच्चों, 10 में से माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ आएगा 6, यहाँ पहले 10 होगा फिर उसका 9 होगा, तो 9 माइनस 9 0, ये 1 का 0 हो जाएगा बच्चों, तो आंसर आ जाएगा 0. अब यहाँ ऊपर से हम ले लेंगे 60, ठीक है. तो 47 बन जा
पहले हमने 2 से डिवाइड किया था, फिर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 47 बन जा 47, माइनस करेंगे रिमाइंडर आएगा 13। और हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो है 21, इसीलिए ईशा कैन बाय 21 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ईशा कितना पेट्रोल ले पाएगी? 21 लीटर पेट्रोल ले पाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये 13 रुपीज़ उसके पास जो रिमाइंडर है बचेंगे, 21 लीटर पेट्रोल वो खरीद पाएगी, परचेस कर पाएगी और 13 रुपीज़ उसके पास बच जाएंगे। ठीक है, ये अपने शहर के लिए मतलब मुंबई के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर रेट 100 का है तो बहुत सिंपल है बच्चों, 100 तो मुंबई में आप सिर्फ 1000 का 10 लीटर पेट्रोल आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपके सिटी में कितना है, तो हमारे सिटी में कितना है टोटल इसके पास जो मनी है वो है 1000 रुपये, और मुंबई में जो पेट्रोल का रेट है बच्चों वो है 100 रुपीज़। तो यहाँ आ जाएगा 100 बन जा 100, ये आ जाएगा 000, ऊपर से लिया 0 100 0 जा 0, तो ये सब 0 हो जाएगा। इसका मतलब है आज के दिन में, आज के तारीख में मुंबई में ओनली 10 लीटर पेट्रोल आ जाएगा 100 रुपये में। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट 5 था। ये पार्ट 5 कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे, और पार्ट 6 में हम पेज नंबर 183 पे जो न्यूमेरिकल से यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो ये कमेंट ज़रूर करिएगा।